हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हो? चलो जी, फिर आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। बेटा, मैं आपके साथ आज की क्लास में आपका जो 10+2 अकाउंटेंसी का सिलेबस है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज हमारा अकाउंटेंसी की क्लास पर सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर मैंने जो लास्ट आपके साथ डिस्कस किया था, बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में 10+2 अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस आपके साथ मैंने डिस्कस किया था। मैंने आपको ये बताया था कि 10+2 अकाउंटेंसी के सिलेबस को लेकर क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, वो सब मैंने डिस्कस किया था। अच्छा, मैं आपको सब लोगों को एक बात बता दूं, ये मेरा 10+2 क्लास को लेकर के ऑनलाइन बैच है। मैं आपके साथ पूरा सिलेबस जो है वो ऑनलाइन डिस्कस करने वाला हूँ। मैं अपने सारे वीडियो लेक्चर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो लेक्चर्स में आपके साथ कंसेप्ट क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, थ्योरी, सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बेटा, ये जो 10+2 अकाउंटेंसी का सिलेबस है, बेसिकली ये एक सबसे ज़्यादा स्कोर लेने वाला पेपर है, तो इसमें हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके जाने की ज़रूरत है। तो बेटा, लगातार बस आप मेरे साथ क्या करें, जब भी आप मेरे साथ इस सिलेबस को पढ़ रहे हैं हमारे वीडियो क्लासेस के थ्रू, तो आप जब भी मेरे साथ क्लास में बैठे हैं, आप अपने मोबाइल से जब ये क्लासेस कर रहे हैं तो उस दौरान आप क्या करें, अपने साथ अपनी बुक, अपनी नोटबुक, पेन, ये सब चीजें साथ में रखें। मैं जब आपके साथ सिलेबस पढ़ाऊंगा तो कई बार ऐसा रहेगा कि मैं आपके साथ जो काम करने वाला हूँ वो मैं नोट करवाऊंगा, और बाई चांस अगर आप मेरे से पीछे रह जाएं तो मेरे पास जो मेरे वीडियो लेक्चर आपको जिस एप्लीकेशन पर मिलने वाले हैं वहां आपके पास पॉज करने का एक ऑप्शन होगा। तो जब भी आपको ये लगे कि भाई मेरा सिलेबस सर ने थोड़ा सा फटाफट से लिखवा दिया, मेरा अभी पेंडिंग है, तो आप उसको पॉज करके वो सब नोट करें। बेटा, आपकी नोटबुक बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपके साथ, बेटा यहाँ मैं आपके साथ पूरा सिलेबस डिस्कस करूँगा, लेकिन हमारा विशेष अकेडमी के नाम से एक यूट्यूब पर चैनल है, उस चैनल पर मैं आपके साथ टाइम टू टाइम बहुत सारी अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा, जो आपके पेपर के लिए, आपके एग्जाम पेपर के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। वहाँ मैं कई सारे और भी टॉपिक्स आपके साथ छोटे छोटे मैं वहाँ डिस्कस करूँगा। तो आप मेरे साथ मेरे एप्लीकेशन पर यहाँ सारा का सारा सिलेबस डिस्कस करें, और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप मेरे साथ बने रहें ताकि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स देता रहूँ। और दूसरा, मैं ये चाहूँगा कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है विशेष अकेडमी, उसको आप सब्सक्राइब करें, अपने बेल आइकन दबाएं, अपने फ्रेंड से भी उसको सब्सक्राइब करवाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ उस चैनल को आप शेयर करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ जो अपडेट्स हैं वो मैं डिस्कस कर पाऊँ, अपने व्यूज़ शेयर कर पाऊँ। ठीक है जी बेटा, तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अब ये देखिएगा, सबसे पहली बात हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10+2 अकाउंटेंसी। अच्छा, मैं एक चीज़ आपके साथ और डिस्कस कर लूँ, स्टार्टिंग लेवल पर ही मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर देने वाला हूँ। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मेरे साथ हमेशा बने रह सकते हैं। इस जब भी आपका कोई डाउट या क्वेरी हो, आप इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी डिटेल, आपका जो भी आपका मतलब मेरे साथ का डिस्कशन रहेगा, वो सब इस मोबाइल एप्लीकेशन प्लस इस फोन नंबर के थ्रू रहेगा। तो जहाँ कुछ भी आपको अपडेट लेना हो तो आप इस नंबर पर डिस्कस मेरे साथ कर सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है, प्लस इसी मोबाइल नंबर से मैं व्हाट्सएप पर भी रजिस्टर्ड हूँ। चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेटा, मैंने जैसा कि आपको बताया था लास्ट क्लास में, आपका जो सिलेबस है उसको हम लोगों ने तीन मॉड्यूल में जाकर के डिस्कस किया है, तीन मॉड्यूल में जाकर के हमने डिस्कस किया है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं आपको जो सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ उसमें हम लोग एक रेफरेंस बुक को लेकर चलेंगे जिसका नाम है डीके गोयल। बेटा, आर्य पब्लिकेशन की ये बुक है, ये देखिएगा, इस बुक के साथ ये नया एडिशन है 2020-21, इस एडिशन को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इसको तीन मॉड्यूल में कवर किया गया है, आर्य पब्लिकेशन इसको प्रिंट करता है। तो ये वाली जो बुक है इससे हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा कंटेंट। इस बुक में आप देखेंगे तो सब कुछ है जो आपके 10+2 अकाउंटेंसी एग्जाम पेपर के लिए जरूरी है। तो बेटा, मैं आप लोगों के साथ जो ये सिलेबस डिस्कस करूंगा, 10+2 अकाउंटेंसी सिलेबस, इसके लिए मैं आप लोगों को, आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ आप सुनिएगा, आप लोगों का जो सिलेबस है मॉड्यूल 1 में 40 मार्क्स का पेपर आपका मॉड्यूल 1 में कवर किया गया,
जिसमें कुल मिलाकर 6 चैप्टर्स हैं। फिर मैंने बताया 20 मार्क्स का सिलेबस आपका मॉड्यूल 2 में कवर किया गया, जिसमें कुल मिलाकर 3 चैप्टर्स हैं, और थर्ड मॉड्यूल आपका कवर किया गया 20 मार्क्स, जिसमें टोटल आपके 6 चैप्टर्स हैं, और इनमें से किस चैप्टर का क्या वेटेज है ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ ऑनलाइन क्लासेस जो स्टार्ट किया मैंने आपके साथ बैच, बेटा इस क्लास में मैं आपके साथ जो पहला चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ बेटा, ये जो चैप्टर है ये मैं यूनिट 2 से स्टार्ट करूंगा। यूनिट 2 जो कि आपके सिलेबस में है पार्टनरशिप को लेकर। बेटा वैसे तो लॉजिकली मेरे को सबसे पहले चैप्टर 1 आपके साथ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बजाय हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 10+2 पार्टनरशिप अकाउंट्स, क्योंकि बेटा ये +1 के सिलेबस को मैं रिलेट करके चलूंगा। इसलिए देखिए बेटा, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं, जो 10+1 क्लास अभी आपने रीसेंट पास किया, 10+1 में अकाउंटेंसी आपके लिए एक फ्रेश पेपर रहता है। पहले मेरी बात को अच्छे से समझ लें, 10+1 में अकाउंटेंसी आपके लिए एक फ्रेश टॉपिक रहता है बेटा। और 10+1 अकाउंटेंसी में आप लोगों को क्या पढ़ाया जाता है, 10+1 अकाउंटेंसी में अगर मैं कॉमन टॉपिक्स की बात करूं तो सबसे पहले बेटे आपको पढ़ाया जाता है जर्नल एंट्री। जर्नल का एक सब्स्टिट्यूट आपको पढ़ाया जाता है बेटा सब्सिडरी बुक्स। आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले आपको बताया जाएगा जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज का सब्स्टिट्यूट आपको पढ़ाया गया सब्सिडरी बुक्स। बेटा जर्नल या सब्सिडरी बुक्स को पढ़ने के बाद आपको पढ़ाया जाता है लेजर। लेजर से आप बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ये सब आप लोगों ने क्लास +1 में पढ़ लिया, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 10+2 में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आप मेरी बात को समझिए, मैं पहले रिलेट कर देता हूं चीजों को। बेटा जर्नल पढ़ा, जर्नल से आपने लेजर पढ़ा, लेजर से आपने ट्रायल पढ़ा, जबकि ट्रायल बैलेंस हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का मैंडेटरी पार्ट नहीं होता है। मतलब अगर आप चाहें तो ट्रायल बैलेंस ना बनाएं। रीजन, ट्रायल बैलेंस सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाया जाता है, अदरवाइज अकाउंटिंग प्रोसेस में ट्रायल बैलेंस का कोई रोल नहीं है। कोई स्पेशल टाइप की बुक अकाउंटेंसी में ट्रायल बैलेंस के लिए नहीं बनाई जाती। तो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे जर्नल, जर्नल से बनाएंगे लेजर, लेजर से बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से हम लोग बनाने वाले हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस से हम लोग बनाने वाले हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस से जब आप लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे बेटा, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले आप बनाते हैं बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे कि आपका रिजल्ट निकल कर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रायल बैलेंस से जब आप फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले आपको क्या निकाल बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट है वो क्या बनेगा बेटे, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद आप बनाएंगे बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसका जो रिजल्ट आएगा बेटे उसे आप नाम दे देते हैं नेट प्रॉफिट का। ऐसा आप लोगों को क्लास +1 में पढ़ा दिया गया। उसके बाद बेटे आप बनाते हैं बैलेंस शीट। उसके बाद आप बना देते हैं बैलेंस शीट, और जैसा आप लोगों ने क्लास +1 में पढ़ लिया कि जो P&L अकाउंट से निकलने वाला नेट प्रॉफिट है उसे आप लेकर जाते हैं बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में जाकर कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे। बेटा ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोगों ने क्लास +1 में सिर्फ प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में पढ़ा। अब प्रोप्राइटरशिप फर्म बेसिकली अगर मैं बात करूं तो उसमें अकेला एक ओनर है, तो सारा रिस्क, सारा प्रॉफिट, सारा लॉस अकेले एक ओनर को रिलेट करेगा। इसीलिए P&L अकाउंट से निकलने वाले नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को आप डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर दें, सही बात। और उसके बाद आप बैलेंस शीट बनाएंगे जो कि बिजनेस की होगी फिनेंशियल पोजीशन। बेटा एक मोटे मोटे तौर पर मैंने आपके बात आपके साथ डिस्कस किया कि ये सब अकाउंटिंग आप लोगों को क्लास +1 में अकाउंटिंग प्रोसेस में बताई गई। इस प्रोसेस को पढ़ाने के दौरान आपको कुछ सपोर्टिंग चैप्टर लाइक डेप्रिसिएशन, लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लाइक बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, इसके अलावा भी छोटे छोटे कई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है ना, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, कई सारे छोटे छोटे चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ाए गए जो इस पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं बेटा, है ना। लेकिन
अगर मैं आपके 10+2 के सिलेबस की बात करूं, तो बेटा 10+2 अकाउंटेंसी में सबसे पहली बात अगर आप देखेंगे तो आपके साथ जो अकाउंटिंग है, प्लस वन में आपने किसकी अकाउंटिंग पढ़ी? इंडिविजुअल प्रोप्राइटर की। लेकिन अगर मैं 10+2 की बात करूं, तो बेटा आपका जो सिलेबस है उसमें किस किस सेगमेंट को पढ़ना है? इसमें आपने सबसे पहले पढ़ना होता है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपको बेटा मैं एक चीज बता दूं, आप ये मत सोचिएगा कि मैं कोई बोर कर रहा हूं। बेटा सबसे पहले चीजें समझ लेना जरूरी है कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद अगर मैं सिलेबस पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको ये पता होगा कि सिलेबस एक्चुअल में है क्या। दूसरा, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप आपको पढ़ना है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप आपको पढ़ना है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको अकाउंटिंग फॉर कंपनीज पढ़ना है, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज पढ़ना है कि कंपनीज अपनी अकाउंटिंग कैसे करेंगी। और इन सबके बाद हमें एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, कि जितने भी फिनेंशियल स्टेटमेंट आपने चाहे प्लस वन में पढ़ा प्रोप्राइटर को या 10+2 में आपने पढ़ा एनपीओ पार्टनरशिप और कंपनी को, इनके जो फिनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाने सीख लिए उनको एनालिसिस करके, एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, इनसे बनने वाले फिनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरह से एनालिसिस किया जाएगा, वो सब चीजें आपको यहां 10+2 के सिलेबस में पढ़ाई जाने वाली है। तो बेटे मैं आपके साथ यहां कितने टॉपिक डिस्कस करूंगा? कुल मिलाकर 4 टॉपिक हैं, उनमें फिर नंबर ऑफ चैप्टर्स बनेंगे, अदरवाइज टॉपिक्स के नाम पर 4 हैं। अगर मैं बात करूं कुल मिलाकर आपके इसमें आपका जो सिलेबस है उसमें एनपीओ को लेकर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर एक चैप्टर बनाया गया, पार्टनरशिप अकाउंटिंग को लेकर कुल मिलाकर 5 चैप्टर्स बनाए गए, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज को लेकर 3 चैप्टर्स बनाए गए, और एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट इसको मिलाकर के 6 चैप्टर्स बनाए गए। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो आपके पास टोटल 15 चैप्टर्स हैं जो कि आपको डिस्कस करने हैं 10+2 अकाउंटेंसी के सिलेबस में, और ये आपके 80 मार्क्स का पेपर आपका ये स्कोर करवाने वाला है। सही बात है, सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बात रही जनरल इंफॉर्मेशन की। बेटे अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग, तो मैं बता दूं, लिखिएगा, नोटबुक बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। आप एक बात मैं बता दूं बेटा, जितना मेरा 10+2 अकाउंटेंसी पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बता दूं हर एक वो बात जो आपको पता होनी चाहिए अपने सिलेबस को लेकर, वो सारी बातें मैं आपको नोट करवाऊंगा। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर मेरे साथ पढ़ें, मैं थोड़ा डीप में जरूर जाऊंगा लेकिन पेपर बढ़िया होगा आपका, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है ना। और आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, जो लोग ऑनलाइन मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मेरे वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हैं, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं बेटे, मैं कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जो मेरी यहाँ फेस टू फेस क्लासेस चलती हैं, जो मैं आपके साथ ऑनलाइन बैच में मैं डिस्कस करूंगा, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। चाहे मेरे लेक्चर ज्यादा चले जाएं, चाहे मेरे को रात रात भर बैठ करके लेक्चर रिकॉर्ड करने पड़े, कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग जो सिलेबस पढ़ेंगे वो बढ़िया पढ़ेंगे, है ना। आपको थोड़ा पेन लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ लेक्चर्स मैं बढ़ा के चलूंगा ताकि आपकी कोई क्वेरी इसमें रहे ना। चलो, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप अगर मैं बात करूं बेटे, इसमें अगर मैं प्रॉपर अकाउंटिंग की बात करूं, तो यहां पार्टनरशिप फॉर्म को भी सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? जर्नल, या उसका एक सब्स्टिट्यूट क्या बनाना पड़ेगा बेटे? सब्सिडरी बुक्स। क्या बनाना पड़ेगा? सब्सिडरी बुक्स। उसके बाद आपको क्या बनाना पड़ेगा? लेजर। उसके बाद आपको क्या बनाना पड़ेगा? ट्रायल। उसके बाद आपको क्या बनाना पड़ेगा? फाइनल अकाउंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बनाना पड़ेगा? फिनेंशियल स्टेटमेंट। अब बेटे अगर मैं बात करूं फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में आपको क्या क्या बनाना है, यहां मजेदार बात बताऊंगा। अब बोलेंगे सर यही तो प्रोप्राइटर में बताया था, सुनो ना पूरी बात। अगर मैं फिनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं, तो पार्टनरशिप फर्म फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाए? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बना के क्या फाइंड आउट करेंगे?
ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, नेट प्रॉफिट। सब लोग मेरे को ये वाली बात बताएं, क्लियर है क्या? अब बेटा जो ये नेट प्रॉफिट है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की मैं बात करूंगा तो पार्टनरशिप फर्म में अभी दो या दो से ज्यादा पार्टनर होंगे, सब बातें डिटेल से पढ़ाऊंगा अभी मैं। तो पार्टनरशिप में जब इतने पार्टनर होंगे तब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अभी मैं थ्योरी लेट टॉपिक पर भी आने वाला हूं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक नया अकाउंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सब लोग मेरे को पहले इतना बताओ, ये सबको क्लियर है क्या? बोलिए। मैं इसको थोड़ा ना जूम कर लेता हूं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन में और बड़ी कर दूंगा तो आपके लिए थोड़ा बढ़िया हो जाएगा। चलिए, मेरे पास कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर बड़ा करके चलो थोड़ा स्क्रीन को, ये लीजिए, ये देखिएगा। सबसे पहली बात, जर्नल, या हम लोग लेकर चलेंगे सब्सिडरी, उससे हम लोग बनाएंगे लेजर, उससे हम लोग बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, उससे हम लोग बनाएंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट। सही बात है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटे, फिनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले ट्रेडिंग बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, जिससे कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाले जो नेट प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करेंगे, और इस नेट प्रॉफिट को हमें क्या करना है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मेरे को एक अकाउंट और बनाना पड़ा, जिसका नाम है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मैं सब कुछ बताऊंगा, पूरा थ्योरी पूरा प्रैक्टिकल सब कुछ बताऊंगा, एक बार मैं आपको अकाउंटिंग में ले आऊं। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले मेरे को बनाना पड़ा ट्रेडिंग, उसके बाद मेरे को बनाना पड़ा पी एंड एल, उसके बाद मेरे को बनाना पड़ा बेटा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद हम लोग बनाकर चलेंगे पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम लोग बनाकर चलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सबसे लास्ट में हम लोग बनाकर चलेंगे बेटे बैलेंस शीट। सबसे लास्ट में हम लोग बनाकर चलेंगे बेटे बैलेंस शीट। तो कुल मिलाकर आपके फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, इसमें हम लोग कितने टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटे, इसमें हम लोग कितने अकाउंट बनाएंगे बेटे, पांच, जिसमें सबसे पहले बनेगा ट्रेडिंग, उसके बाद बनेगा पी एंड एल, उसके बाद बनेगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, उसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल, और उसके बाद बनेगा बैलेंस शीट। ये है प्रैक्टिकल अकाउंटिंग। आप बोलेंगे सर हमसे प्लस वन में तीन अकाउंट नहीं संभल रहे थे, आपने पांच बनवा दिए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको नहीं बनाना है, मैंने सिर्फ प्रोसेस बताया है, मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म अपनी अकाउंटिंग करे तो उसको क्या क्या मेंटेन करके चलना पड़ता है। आपको एग्जाम पेपर में एग्जामिनर ने किस तरह का क्वेश्चन पूछना है वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, है ना। चलिए, अगर हम लोग इससे आगे की बात करें तो बेटा आपका जो 10+2 अकाउंटेंसी का सिलेबस है, उसको अगर मैं सिर्फ अभी पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बात करूं, अभी मैं चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, मैंने चैप्टर अभी मैं स्टार्ट करूंगा, एक बार मैं सिलेबस नोट करवा दूं, उसके बाद मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं बेटे। सबसे पहली बात, अगर मैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बात करूं, अगर मैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बात करूं आपके साथ, पार्टनरशिप अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग आपके सिलेबस में कुल मिलाकर कितने टॉपिक्स हैं, फाइव टॉपिक्स आपके सिलेबस में कवर्ड हैं। आपके पार्टनरशिप को लेकर के फाइव टॉपिक्स कवर्ड हैं, और मैं अगर सही बात बताऊं तो पार्टनरशिप के टॉपिक को यहां ये देखिए, टॉपिक वन मैं ऐसे आपको पढ़ाऊंगा, टॉपिक वन जिस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ, आप नोट करिएगा, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, ये आपके सिलेबस में पार्टनरशिप को लेकर पहला टॉपिक बनेगा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को आप नाम दे सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये वाला टॉपिक डिस्कस करूंगा। टॉपिक टू अगर मैं बात करूं ना सही मायने में, टॉपिक टू, तो टॉपिक टू का जो नाम है आप लिख लें, रिकंस्ट्रक्शन
रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये टॉपिक टू है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब बेसिकली रहता है कि पार्टनरशिप फर्म के अगर पार्टनर्स के बीच की टर्म्स चेंज हो जाए और पार्टनरशिप फर्म को एक बार दोबारा नए सिरे से हमें काम करवाना हो, तो उसमें हमें तीन टॉपिक डिस्कस करने पड़ेंगे। पहला टॉपिक जो आएगा उसका नाम है बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ऑल पार्टनर, बिटवीन ऑल पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ऑल पार्टनर्स। नंबर टू, हमें एक टॉपिक डिस्कस करना है एडमिशन ऑफ आ पार्टनर, एडमिशन ऑफ आ पार्टनर, एक टॉपिक हमें ये डिस्कस करना है। और नंबर थ्री, हमें डिस्कस करना है बेटा रिटायरमेंट ऑब्लिक, रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ आ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ आ पार्टनर। और मैं बार बार आपको एक बात बोलूंगा बेटा, नोटबुक जरूर बनाकर चलें, सब काम को लिखें, लिखना जरूरी है, लिखने से ही टॉपिक की प्रैक्टिस होगी। और बेटा मेरे पास टॉपिक नंबर थर्ड जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बेटे, टॉपिक थर्ड जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उसका नाम होगा बेटे डिसोल्यूशन, उसका नाम होगा बेटे डिसोल्यूशन ऑफ आ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ आ पार्टनरशिप फर्म, ये हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे इस टॉपिक में। तो कुल मिलाकर पार्टनरशिप के फाइव चैप्टर्स को टॉपिक वन, टॉपिक टू और टॉपिक थ्री, मैंने तीन टॉपिक बना दिए। आप बोलेंगे सर आपने इस टॉपिक के अंडर तीन चैप्टर्स को रखा है। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो तीन चैप्टर रिकंस्ट्रक्शन है, अगर मैं सही मायने में बताऊं तो ये तीनों एक जैसे चैप्टर हैं। कहने को ये तीन हैं, लेकिन अगर जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे तो मैं इनको एक लेवल पर आने के बाद एक ही चैप्टर बना दूंगा। क्योंकि इस चैप्टर में जब मैं जाऊंगा तो बताऊंगा कि अगर पार्टनर्स के रेशियो में चेंज हो या एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, तीनों का बेसिक मीनिंग एक ही होगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैं एक बार आपके साथ सिलेबस को स्टार्ट कर लेता हूं। तो पार्टनरशिप के ये तीन टॉपिक्स हमें सिस्टमैटिक वे से चलने हैं। अब मैं आपके साथ जो सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं उसका नाम है बेटे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। मैं जो सबसे पहला चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं इसका नाम है बेटे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं इसका नाम है बेटे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। अब पार्टनरशिप फंडामेंटल्स जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा ना बेटे, सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं तो इसका बेसिक थ्योरी आपके लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो रेफरेंस बुक मैं लेकर चल रहा हूं, ये रेफरेंस बुक में सारा का सारा कंटेंट है, लेकिन क्योंकि मैंने बार बार बोला ना कि जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक चीजें क्लियर कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं क्या कर रहा हूं आपके साथ कुछ चीजें जनरल बातें जो है वो मैं नोट भी करवाऊंगा और बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए एक बार इसको स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के साथ। पार्टनरशिप फंडामेंटल में सबसे पहला काम आप क्या करें, लिखें एक डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। सबसे पहले आपको यह देखना है कि पार्टनरशिप क्या है, तो इसका एक बड़ा सिंपल सा रिप्लाई मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप नोट करिए इसका जो आंसर होना चाहिए कि पार्टनरशिप क्या है, लिखिएगा। अगर हम लोग इसको डिस्कस करें तो लिखिएगा पार्टनरशिप इज आ, मैं लो की लैंग्वेज जो है वहां से भी कुछ वर्ड्स उठा लूंगा, लिखिएगा पार्टनरशिप इज आ रिलेशनशिप, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स,
बिटवीन पर्संस, मैं कोशिश करूंगा इनको सिंपल करने की. हु एग्री टू शेयर, ऐसा लिखिए हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस. हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस. हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड बाय, कैरिड बाय ऑल पार्टनर्स और वन पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पार्टनर्स, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पार्टनर्स. बेटे आप सब लोग मेरे साथ साथ डिस्कस करें. मैं कह रहा हूं एक एक वर्ड, एक एक चीज मैं आपके साथ बढ़िया लेवल पर बताने वाला हूं. बेटा सबसे पहली बात, मैंने एक डेफिनेशन आपको बताया पार्टनरशिप को लेकर कि पार्टनरशिप क्या है. तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर मैंने क्या लिखा कि पार्टनरशिप जो है वो एक रिलेशनशिप है. पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप है बिटवीन पर्संस, पर्संस के बीच का एक रिलेशनशिप है. हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एंड कैरिड बाय, यहां देखिए कैरिड बाय ऑल पार्टनर और वन पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पार्टनर. यह बात लिखी गई है कि पार्टनरशिप बिजनेस को चाहे तो एक पार्टनर ऑपरेट करे, चाहे तो सब पार्टनर मिलकर ऑपरेट करें, ऐसा पॉसिबल है. चलिए दूसरी बात अगर हम लोग डिस्कस करें कि पार्टनरशिप बिजनेस को लेकर और क्या सब बातें हो सकती हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं पार्टनरशिप बिजनेस की फीचर्स को लिखते हैं, लिखेगा. यह तो बात रही सिंपल थ्योरी के बारे में, हम लोग इसकी फीचर्स को लिखते हैं, लिखेगा मेन फीचर्स. ऐसा लिखो मेन फीचर्स, सब लोग लिखिए, यहां से बातें क्लियर होनी स्टार्ट होंगी. लिखिएगा मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मेन फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म. बेटे पार्टनरशिप फर्म की मेन फीचर्स क्या होंगी, पार्टनरशिप फर्म कैसे काम करेगा, तो मैं आपको बता दूं पार्टनरशिप फर्म की जो मेन फीचर्स हैं वो बेटे आपकी इस डेफिनेशन से निकल कर आएंगी. मेरी पूरी बात सुनेगा, मैं इजी फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूं, मैं जोश जोश में नहीं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल इजी फॉर्मेट में पढ़िए, चीजों को पहले क्लियर करिए. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर आएंगे तो पूरा जोश से सिलेबस को उड़ाकर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. आप टेंशन ना लें, आग लगा देंगे, है ना. चलिए नंबर वन लिखेगा मेन फीचर्स क्या है पार्टनरशिप बिजनेस को लेकर. पार्टनरशिप बिजनेस में सबसे पहली बात, टू और मोर देन, टू और मोर देन टू पर्संस, दो या दो से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है. ये पार्टनरशिप की पहली फीचर्स है. पार्टनरशिप एक्ट, आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जब मैं आपको सिलेबस पढ़ाऊंगा तो बेटा आपके सिलेबस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मैं बात कर रहा हूं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. इसमें यूज होने वाले प्रोविजंस मैं आपको बताकर चलूंगा कि कैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे और कौन कौन से प्रोविजंस आपके यहां काम आएंगे. जैसे यहां पहला प्रोविजन है, पहली मेन फीचर है पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये कहता है कि एक पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए, मिनिमम टू होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं ऐसा आपके पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा. मिनिमम टू होने चाहिए, ऐसा लिखो मिनिमम, मिनिमम टू होने चाहिए, ऐसा किसने बोला? आप बोलेंगे सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने बोला. मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो मैंने लिखा मैक्सिमम एक पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं 50. मैक्सिमम कितने हो सकते हैं पार्टनर? 50. ऐसा किसने प्रोविजन दिया? ऐसा प्रोविजन दिया कंपनीज एक्ट ने. आपको ऐसा प्रोविजन दिया कंपनीज एक्ट ने. कंपनीज एक्ट ये कहता है कि एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, तो बोला गया मैक्सिमम 50 पार्टनर होंगे, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए. अगर इससे ज्यादा हो तो भाई साहब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी. चलिए नंबर टू अगर हम लोग बात करें, नंबर टू फीचर है एग्रीमेंट
बिटवीन ऑल पार्टनर, एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर, बेटे एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर, हमारी पार्टनरशिप फर्म में जितने पार्टनर्स हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। ये जो एग्रीमेंट है ये रिटन भी हो सकता है और ये ओरल भी हो सकता है, लेकिन मैं बता दूं अगर मैं आईज ऑफ लॉ अगर बात करूं तो ओरल एग्रीमेंट जो होगा वो वैलिड नहीं होगा, रिटन एग्रीमेंट जो होगा वो वैलिड होगा, रिटन एग्रीमेंट जो होगा वो वैलिड होगा आईज ऑफ लॉ में। और यहां रिटन एग्रीमेंट को मैं एक नाम दे देने वाला हूं जिसे हम लोग नाम देंगे पार्टनरशिप डीड का। रिटन एग्रीमेंट को मैं एक नाम दे देने वाला हूं जो कि होगा पार्टनरशिप डीड। इसके बारे में भी अभी मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा यहां कि पार्टनरशिप डीड क्या होगी, कैसे उसको डील किया जाएगा, मैं सब बताऊंगा। चलिए नंबर थर्ड क्या होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स। हमारी पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं सबके बीच में एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्री होना जरूरी है कि पार्टनर्स अपने प्रॉफिट्स को किस रेशियो में डिवाइड करने वाले हैं, ये पहले से एग्रीड होना चाहिए। नंबर फोर लिखते चलो आप सब लोग। नंबर फोर अगर मैं बात करूं एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, आप ऐसा लिखिए बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, मतलब ये कि पार्टनर्स के बीच में जब भी आप बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म की तो बेटे पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए सबसे पहली जरूरी कंडीशन है बिजनेस का होना और दूसरी कंडीशन है कि उनके बीच में एक प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, तो उसे हम पार्टनरशिप फर्म का नाम नहीं देने वाले हैं। चलिए उसका स्टेटस फिर बदल जाएगा। चलिए अगर मैं बात करूं एक फीचर और, अगर हम लोग बात करें कि पार्टनरशिप बिजनेस जो बड़े कॉमन पॉइंट है मैं वही लिखवाऊंगा, पार्टनरशिप बिजनेस लिखेगा, पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी, पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी ऑपरेट बाय, कैन बी ऑपरेट बाय ऑल पार्टनर्स, कैन बी ऑपरेट बाय ऑल पार्टनर्स और वन पार्टनर, और वन पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पार्टनर्स। बेटे अगर आप बोलेंगे सर इस बात का क्या मतलब है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आप लोगों ने क्लास 10+1 की बिजनेस स्टडीज की क्लास में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ पार्टनर। बेटे टाइप्स ऑफ पार्टनर में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर्स के बारे में, लेकिन उसमें एक कंसेप्ट आता था एक्टिव पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव वो हैं जो बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करेंगे, स्लीपिंग वो हैं जो बिजनेस की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस के पार्टनर रहेंगे। तो बेटे अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप बिजनेस में, तो पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी ऑपरेट बाय ऑल पार्टनर और वन पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल पार्टनर्स। ये सब फीचर्स हैं आपके पार्टनरशिप के डेफिनेशन से निकल कर आने वाली हैं। मैंने पार्टनरशिप फंडामेंटल के नाम से चैप्टर स्टार्ट करवा दिया, मैंने पार्टनरशिप का डेफिनेशन बता दिया, मैंने आप लोगों को पार्टनरशिप की मेन फीचर्स जो हैं वो बता दी कि पार्टनरशिप की मेन फीचर्स क्या होंगी। चलिए इन फीचर्स को जब मैं बता रहा था तब एक नाम निकल कर आया कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, रिटन में। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर रिटन में होगा तो उसे हम लोग क्या नाम देने वाले हैं, पार्टनरशिप डीड। तो बेटे हम लोग एक बार डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप डीड को लेकर। तो लिखिएगा एक छोटा सा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड। आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर पार्टनरशिप डीड क्या है, है ना, पार्टनरशिप डीड क्या है। तो अगर आप लिखेंगे, मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूं, लिखेगा पार्टनरशिप डीड, लिखेगा
पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर, बिटवीन ऑल पार्टनर्स विच डिफाइन या विच कंटेन ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस बिटवीन ऑल पार्टनर्स, टर्म्स एंड कंडीशन बिटवीन ऑल पार्टनर्स, बिटवीन ऑल पार्टनर्स विच कंटेन टर्म एंड कंडीशन बिटवीन ऑल पार्टनर्स, है ना, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में जितनी भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ऑलरेडी जो डिसाइड आपने की, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपका जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ये आपको रिटर्न में बनाएगा, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड जो बनाया जाता है उसके पीछे लॉजिक क्या है, तो लिखेगा पार्टनरशिप डीड इन ऑर्डर टू, ऐसा लिखिएगा, इसका रीजन क्या है, इन ऑर्डर टू अवॉइड, ऐसा लिखिए इन ऑर्डर टू अवॉइड द ऑल, ऐसा लिखिए इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग, ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग, ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट। बेटे अगर पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरह की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्प्यूट आने के चांस अगर आपको लगते हैं, आप सबसे पहले क्या रजिस्टर करें, पार्टनरशिप डीड बना लें। पार्टनरशिप डीड में सारी टर्म्स एंड कंडीशन को ऑलरेडी अगर आपने पहले से रखा है तो हमारा ऐसा मानना है कि पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्प्यूट आने के चांस हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में ईच एंड एवरी पॉइंट आप जो है ऑलरेडी पहले से रिटर्न में लिख लेने वाले हैं, है ना, रिटर्न में ही होगा एग्रीमेंट हमारा, तभी उसका नाम क्या होगा, पार्टनरशिप डीड। आप बोलेंगे सर जो टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनर ने डिसाइड की पार्टनरशिप डीड में हम लोग लिख लेंगे, तो क्या आप हमें पार्टनरशिप डीड में लिखा जाने वाला सब्जेक्ट मैटर बता सकते हो कि क्या आएगा पार्टनरशिप डीड में? मैं बिल्कुल बता सकता हूं। तो आप एक काम करें, एक छोटा सा एक टॉपिक हम लोग बनाते हैं, लिखिएगा सब्जेक्ट, आप ऐसा लिखिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टनरशिप डीड, सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड का क्या सब्जेक्ट मैटर होगा वो हम लोग पहले से डिसाइड कर लेंगे। सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टनरशिप डीड कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें लिखी जानी चाहिए वो सब बातें हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। तो मैं बता दूं पार्टनरशिप डीड का कॉमन सब्जेक्ट मैटर क्या है वो मैं बता रहा हूं। एक चीज समझ लीजिए, मैं कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट बताने वाला हूं जो एक सब्जेक्ट मैटर के तौर पर पार्टनरशिप डीड में लिखे जाने चाहिए। अदरवाइज तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, पार्टनरशिप डीड में वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन आप लिख सकते हैं जिनको लेकर आपको फ्यूचर में डिस्प्यूट आ सकता था, वो सारी बातें आप पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कुछ कॉमन बातों को लेकर कि पार्टनरशिप डीड में कुछ कॉमन पॉइंट क्या बनेंगे, तो लिखिएगा सबसे पहले अगर हम लोग बात करें द नेम एंड एड्रेस ऑफ, द नेम एंड एड्रेस, द नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है उसका एड्रेस क्या होगा ये आपको लिखना है। नंबर टू, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के भी नेम और एड्रेस इसमें लिखे जाने चाहिए। नंबर थ्री, अगर मैं बात करूं तो आप लिखेंगे लिखेगा अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर, अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर, अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स एज कैपिटल, बाय पार्टनर्स एज कैपिटल, कि आपकी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है,
नंबर फोर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की उस कैपिटल पर पार्टनरशिप फर्म आपको इंटरेस्ट पे करेगी या नहीं पे करेगी प्रॉफिट में से, वो इस डीड में लिखा जाना चाहिए। नंबर फाइव, ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर्स। ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर्स कि कोई भी पार्टनर आपकी पार्टनरशिप फर्म से एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना ड्रॉइंग कर सकता है, उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, वो आप नोट करें। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करें इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स कि क्या पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर के ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी या नहीं करेगी, वो डिसाइड कर लें। नंबर सेवन, मैं कॉमन पॉइंट बता रहा हूं, बुक में से देखकर ही बता रहा हूं, कॉमन पॉइंट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा ये डिसाइड करें। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स। नंबर एट, अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद, अगर हम लोग बात करें रेमुनरेशन, रेमुनरेशन लाइक सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर्स, क्या एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन या किसी भी तरह का कोई रेमुनरेशन देने के लिए लाइबल है या नहीं है, वो हम डिस्कस करेंगे। नंबर नाइन, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं कॉमन पॉइंट लिख रहा हूं। नंबर नाइन, अगर मैं बात करूं मेथड फोर, मेथड्स फोर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नोट करते चलें, सब चीजें जरूरी हैं। मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कि अगर कभी भी पार्टनरशिप फर्म को अपने बिजनेस की गुडविल का वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़े तो कौन से मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया जा सकता है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। नंबर टेन, अगर मैं बात करूं, नंबर टेन अगर हम लोग बात करें इसमें रूल फोर, रूल फोर एडमिशन ऑफ पार्टनर, ऐसा लिख लो रूल फोर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कि भाई अगर एक पार्टनरशिप फर्म अपने किसी नए पार्टनर को एडमिशन देगी तो किन शर्तों पर एक नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाएगा। इसके अलावा रूल फोर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म से एक पार्टनर रिटायरमेंट होगा तो उस सिचुएशन में क्या कंडीशंस अप्लाई करेंगे, क्या रिटायरमेंट लेने वाले पार्टनर को रिटायरमेंट की डेट पर ही सारी फाइनल पेमेंट दे दी जाए या किस तरह से उसका डीलिंग किया जाएगा, उसके बारे में रूल पहले से डिसाइड करें। और अगर रूल इन द केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, रूल इन द केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म के किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई तो डेथ के केस में, रूल इन द केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, नोट करते चलो साथ साथ, अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई तो डेथ के केस में क्या उसके नॉमिनी को पार्टनर बना लिया जाएगा, क्या उसके नॉमिनी को पार्टनर नहीं बनाया जाएगा, अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई तो उसकी कैपिटल का फाइनल सेटलमेंट फर्म कैसे करेगी, उन सब बातों को लेकर पहले से रूल डिसाइड कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारा कंटेंट आपके पार्टनरशिप डीड में पहले से लिखा जाना चाहिए। आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आना चाहिए। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं बहुत सारी टर्म्स हैं जिनको लेकर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट आ सकता है, तो वो सारी टर्म्स आपको पार्टनरशिप डीड में लिख लेनी चाहिए। सही बात है, पहले ये बताओ इतना क्लियर। चलो सर, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर एक बात बताओ कि अगर मान लो ऐसा हो गया कि टू और मोर देन टू पार्टनर्स ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और पार्टनरशिप डीड उन्होंने रिटर्न में नहीं बनाई, ओरल में उन्होंने डिसाइड कर लिया था,
ईयर एंड पर जब प्रॉफिट हुआ तो उनके बीच में हो गया डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूट को लेकर के उनके बीच में जब डिस्प्यूट हुआ तो सर सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन कोर्ट में होगा, एक दूसरे के ऊपर हम लोग लीगल सूट फाइल कर देंगे। चलो सर कोर्ट में होगा तो कोर्ट किसकी बात को सच मान ले, किसकी बात को एग्री करे कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि आपने रिटर्न में तो कुछ बनाया नहीं। रिटर्न में बनाया होता तो रिटर्न एग्रीमेंट होता, एग्रीमेंट होता तो हम उसके अकॉर्डिंग चलते, लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट तो भाई साहब आपने बनाया नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बनाया तो आपके पास एक पार्टनरशिप एक्ट है। क्या है पार्टनरशिप एक्ट? इन द केस ऑफ, इन द, ऐसा लिखिए एब्सेंस, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ऐसा लिखिए इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनर्स के बीच में किसी तरह की डीड नहीं है देन रूल्स ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट (1932) एप्लीकेबल। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं थी और कोई डिस्प्यूट हो गया तो बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो मैं आपको सबसे पहले ये लिखवाने वाला हूं, लिखेगा प्रोविजंस, प्रोविजंस आप ऐसा लिखो प्रोविजंस एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ऐसा नोट करिए प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं बेटा, ये जो टॉपिक मैं लिखवाने जा रहा हूं, ये वाला जो टॉपिक है आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कई बार यूज करने में आएगा, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मानकर लिखिएगा बेटा, प्रोविजंस एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। नंबर वन प्रोविजन, अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप लिखिएगा, प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली, प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ऑल पार्टनर, बिटवीन ऑल पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं सबके बीच में जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो क्या होगा बेटे? इक्वल होगा। नंबर टू, रेमुनरेशन टू पार्टनर, रेमुनरेशन टू पार्टनर। आप बोलेंगे सर आप रेमुनरेशन किसको बोलते हो? बेटा रेमुनरेशन में सैलरी बोनस कमीशन सब आ गया। नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर, भाई साहब नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को किसी तरह का कोई भी रेमुनरेशन मैं नहीं देने वाला हूं, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। नंबर थर्ड, किसी भी पार्टनर को हम रेमुनरेशन नहीं देंगे। नंबर थर्ड, अगर हम लोग बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड टू पार्टनर, नॉट अलाउड टू पार्टनर, किसी भी पार्टनर को किसी भी तरह का कोई रेमुनरेशन हमने नहीं देना, इंटरेस्ट नहीं देना। नंबर फोर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बेटा मैं वो प्रोविजंस नोट करवा रहा हूं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते टाइम आपको यूज करने होंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर, नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर, किसी भी पार्टनर से हम किसी भी तरह का रेमुनरेशन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करेंगे। नंबर फाइव, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन,
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर हम लोग बात करें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अलाउड अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, बेटे पार्टनर को उसके लोन पर, बेटे बात हो रही है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था तो पार्टनर अपने लोन पर इंटरेस्ट एप्लीकेबल करवा सकता है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। मतलब एक पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दे रखा है तो फर्म उस लोन पर 6% पर एनम रेट से इंटरेस्ट पे करने के लिए लाइबल है। सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ क्लियर क्या? चलो तो कुछ प्रोविजंस और भी हो सकते हैं लेकिन वो प्रोविजन जो मेरे अकाउंटिंग में यूज होंगे वो सारे प्रोविजंस मैंने आपको यहां नोट करवा दिए बेटा। चलो अगर हम लोग बात करें आगे के बारे में भी बहुत सारा टॉपिक हमें डिस्कस करना है। ये हमारी अकाउंट्स के टॉपिक पर फर्स्ट क्लास थी जो मैंने आपके साथ सिलेबस के लिए डिस्कस की है। आज इतना पढ़े लेकिन मैं अगली क्लास में आपके साथ थोड़ा और प्रैक्टिकल काम स्टार्ट कर दूंगा। बेटा मेरे साथ बने रहें, एक बार स्टार्टिंग फेस है, आपके साथ सब चीजों को समझाना है तो मैं एक एक चीज क्लियर करके चल रहा हूं। जब आपके दिमाग में ये सारी बातें फिट हो जाएंगी उसके बाद मैं आपके साथ थोड़ी सी स्पीड को इंक्रीज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस मेरे साथ बढ़िया लेवल पर अपनी स्टडी करते रहें, सही है बेटे? तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप सब मेरे साथ जुड़े रहें। और मैं फिर बोल रहा हूं हमारा YouTube चैनल है, उस पर अपडेट्स के लिए आप उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मैं मोर वीडियोस वहां आपके लिए अपलोड कर पाऊं और हर एक वो अपडेट जो आपके काम की है वो मेरे चैनल पर मैं डाल पाऊं, सही है? तो आज के लिए इतना पढ़ते हैं, बाकी हम अगली क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। बने रहेंगे बढ़िया लेवल पर, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू बेटा।